अस्सलामुअलैकुम। चिकन, मटन, आलू पनीर बिना किसी नॉनवेज आइटम या सब्जी के भी ये करी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। ये प्लेन करी है जिसे शेरवा भी कहा जाता है, या इसे आप परोटा करी भी कह सकते हैं। इसे अक्सर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट्स में सर्व किया जाता है परोटा, पूरी, चपाती या फुलके के साथ। तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं मज़ेदार पराठा करी और इसके साथ गेहूँ का पराठा भी। परोटे का सालन बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन गरम कर लें और इसमें थोड़ा सा तेल डालिए, 2 टेबलस्पून। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें 100 ग्राम प्याज डाल दें, वो मीडियम साइज की है। प्याज का रंग अच्छे से गोल्डन होने दें। थोड़ा सा नमक डाल दें, 1 टीस्पून डाल रही हूँ। इसमें 1/2 टीस्पून सौंफ डालिए, 3 इलायची, 4 से 5 लौंग, दालचीनी के इस साइज के 3 से 4 पीसेस, 1 टीस्पून स्टोन फ्लावर यानी पत्थर का फूल। फ्राई करते जाइए। 2 टेबलस्पून भर के कोकोनट पाउडर, ये ना हो तो कोकोनट पीसेस भी ले सकते हैं आप, यानी सूखे नारियल के पीसेस 2 टेबलस्पून ले लें। फ्राई कर लें इसे भी। 12 काजू, 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करने के बाद फ्लेम बंद कर दें। फ्लेम बंद करने के बाद थोड़ी देर के लिए रख दें। ये अच्छे से जब ठंडा हो जाएगा मिक्सर के जार में डाल के बारीक पेस्ट की तरह पीस लें। थोड़ा सा पानी डाल के भी पीस सकते हैं आप। ये पीसने के बाद 2 बड़े साइज के टमाटर भी अलग से पीस लें, इसका वजन 160 ग्राम है। पिसा हुआ नारियल, प्याज और काजू का पेस्ट भी रेडी है और इसी के साथ टमाटर का पेस्ट भी रेडी है। चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फिर से एक पैन गरम कर लें और इसमें 4 से 5 टेबलस्पून भर के तेल गरम करिए। तेल हमें ज्यादा चाहिए। तेल अच्छे से गरम होने के बाद इसमें 2 तेजपत्ता डालिए, 1 टीस्पून जीरा, सॉटे कर लें। बड़े से इसकी चॉप की हुई प्याज या बारीक काट के भी डाल सकते हैं। प्याज का रंग बदलने तक हाई फ्लेम पे फ्राई करते जाइए। प्याज का रंग गोल्डन होने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। इसे अच्छे से भूनिए। 2 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े से करेपत्ता, इसे भूनिए। नेक्स्ट इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दें। फ्लेम को हाई पे रख के फिर से भूनते जाइए। टमाटर को इन मसालों के साथ अच्छे से भूनने के बाद 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर डालिए, थोड़ी सी हल्दी 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, फिर से थोड़ा सा नमक डालिए, ज़्यादा नहीं, ऑलरेडी नमक हमने मसाले में डाला है। इसे भून लें, अच्छे से भूनिए। जब इस तरह से तेल साइड्स पे नज़र आ जाए तब ये पिसा हुआ पेस्ट डाल दें। ये डाल के हमें फिर से बहुत अच्छे से भूनना है। मसाले को हमें बहुत अच्छे से भूनना है 3 से 4 मिनट के लिए। देखिए तेल साइड्स में नजर आ रहा है। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। बड़े ग्लास से 2 ग्लास भर के डालिए, करीब 600 to 700 ml। फ्लेम को हाई पे रखिए, अच्छे से मिक्स करिए। इस वक्त आप नमक चख के देख लें, मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा ऐड कर। हाई फ्लेम पे इसे पकने दें। जब ये इस तरह से बॉईल होना स्टार्ट हो जाए फ्लेम को लो पे रख दें, लिड बंद कर दें। 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाइए। पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 किलो गेहूं का आटा। इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा भी मिक्स किया है, 1/2 कप से लेके 1 कप तक।
बिना मैदे के भी आप सिर्फ गेहूं का आटा यूज करके बना सकते हैं पराठा, लेकिन मैदा डालने से इसमें थोड़ी सी अच्छी सी इलास्टिसिटी आ जाती है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, मिक्स कर लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसे फिर से मिक्स करते जाइए। ये तो अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। तेल डाल के फिर से मिक्स कर लें। आटे को अच्छे से गूंदने के बाद लिड बंद कर दें और इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख दें। 10 मिनट हो चुके हैं, शेरवा हमारा परफेक्टली डन है। तेल भी देखिए अच्छे से नजर आ रहा है साइड में, यही कंसिस्टेंसी और कलर हमें चाहिए। आखिर में इसमें थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते डाल दें। अगर आपको ये ग्रेवी में हल्की सी खटास चाहिए, थोड़ा सा नींबू का रस डालिए। खटास नहीं पसंद तो ये स्टेप स्किप कर दें। नींबू डाल के फिर से 1 मिनट के लिए पका लें और फ्लेम बंद कर दें। उसके बाद फ्लेम बंद कर दें। परोठा बनाने के लिए थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा ले लें। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लें और इसे बेलिए। इस तरह से इसे अच्छे से बेलने के बाद थोड़ा सा तेल अप्लाई कर दें इसमें। सूखा आटा स्प्रिंकल कर दें। फोल्ड कर लें। इस तरह से करिए। फिर से इसे बेलिए, हल्के हाथों से बेलिए। ज्यादा प्रेस ना करें। परोठा हमारा फ्राई करने के लिए रेडी है। नेक्स्ट स्टेप, तवा गरम कर लें। तवा तो हमारा बहुत अच्छे से गरम हो चुका है, इसमें ये पराठा डाल दें। थोड़ी देर पकने दें। अच्छे से पकने के बाद टर्न कर लें। तेल अप्लाई कर दें इसमें। फिर से टर्न करिए और यहां पर भी अच्छे से तेल या घी लगा दें, आपकी मर्जी। अच्छे से गोल्डन कलर आने तक ऐसे ही सेकते जाइए। फ्लेम को हाई पे ही रखिए। देख सकते हैं आप, दोनों साइड भी अच्छे से पक चुका है, कलर भी कितना अच्छा आया है देखिए। देखिए कितना क्रिस्पी भी है। गर्मा गर्म इसे सर्व करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें इस वीडियो को और इस वीडियो के लिंक को शेयर करें।